लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। राम कृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये तीन जो है प्रमुख देवता है। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा में सबसे ज्यादा समय तक सांसद भी रहे हैं। ये गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके हैं। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष के ये बताने पर कि अडवाणी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराना उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, के जवाब में महंत अवैधनाथ ने गहरी नाराजगी जाहिर की। हिंदू धाम में अभी कल का फैसला तो देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमारा 6 दिसंबर की पूरी पृष्ठभूमि पर था कि हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम लोगों ने ढांचा को ध्वस्त किया, उस पर है पूरा। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ी आडवाणी जी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल थी। आडवाणी बहुत जो है अभी अरुण जेटली जी का भी बयान था कि हम हिंदुत्व को इस्तेमाल करते हैं, ये खुलासा हुआ था विकिलीक्स एक, हम इस्तेमाल जब जी जरूरत होती तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे लिए एक इस्तेमाल करने की हम महंत अवैधनाथ ने आडवाणी की बाबरी मस्जिद के गिराने के ऊपर दी गई सफाई को बहुत ही कठोरता से आलोचना की। इन्होंने कहा उनके तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग व्यक्तिगत तौर पर इस घटना में शामिल हुए थे, ना कि पार्टी सदस्य के रूप में। केवल पार्टी अध्यक्ष ही बीजेपी की तरफ से शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए था। मंदिर तो बनता रहे। इनके अनुसार बीजेपी वाले जो हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से आए, वो पार्टी के रूप में नहीं आए, पार्टी के रूप में प्रेसिडेंट थे क्योंकि वोट उनको जो है हिंदुओं से मिलता है। लेकिन इस लड़ाई को पूरा विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी वाले रहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के रूप में नहीं आए, पार्टी के रूप में प्रेसिडेंट थे क्योंकि उनके लिए वोट उनको हिंदुओं से मिलता है, इसलिए
समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को जो विश्व हिंदू परिषद जी अशोक सिंघल जी चाहते थे मन से कि यहाँ पर अशोक सिंघल तो सारे आंदोलन के प्राण रहे हैं जी, हैं अभी भी अशोक हैं, हमारे सर एक दिन जाते आते हैं। 6 दिसंबर को क्या उनकी मंशा थी महाराज, वो मतलब थे फेवर में कि ये ढांचा ढहे या वो भी और नेताओं की तरह नहीं। क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। हाँ, विश्व हिंदू परिषद द्वारा नहीं जोड़ा है जी, इसमें जो लोग आपके कार सेवा के लिए बुलाते थे जी, कभी उनके बाद जुड़ा है कभी कुछ, तो उन्होंने कहा तुम लोग हमको बुलाते हो जी, और कभी बालू बुलाते हो कार सेवा के लिए बुलाते हो जी, और कार सेवा में जो चलाने करते हैं उसको ध्वस्त करने काफी नहीं करते जी, तो जब वो आए उन्होंने कहा नहीं अब हम हमारे कहने से जो है तो बालू को नहीं जुड़ाएंगे, हम ध्वस्त करेंगे जुड़ाने के लिए जी, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि अभी छूटे हुए जी लड़ाई चल रही थी, तो फिर उसके बाद जो है आप लोग वेदांती जी महाराज ने बताया कि हिंदू धाम में एक आप लोगों ने गुप्त मीटिंग की थी जिसमें बीजेपी को भी नहीं बुलाया था, ये सच है ढांचा को तोड़ने के लिए जी? बीजेपी तो आई नहीं जी उस मीटिंग में जी, बीजेपी आंदोलन के जी वही उस मीटिंग में जी विश्व हिंदू परिषद के केवल विश्व हिंदू परिषद से कौन कौन था? अशोक सिंघल जी, विष्णु हरि डालमिया जी, एक्यूज्ड हैं उसमें महाराज, मतलब मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी वो 5 दिसंबर को थी मीटिंग, संत समाज से कौन कौन था? बहुत दिन की बात, प्रमुख लोग जो आपको याद हों, प्रमुख लोग जो घर में रहते हैं पिंगले जी पिंगले जी महाराज, बामदेव जी महाराज जी, जी 5 दिसंबर की मीटिंग जो थी जी जी, तो उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया महाराज? प्रस्ताव नहीं लेकिन वहाँ जो लोग आए थे कार सेवा के लिए, उन्होंने कहा जब हम कार सेवा करने के लिए आए हैं तुम हमेशा बुलाते हो, बारिश बुलाते हो वो विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक थे या फिर बीजेपी के या जो और जो कार सेवक बुलाए गए थे? महंत अवैधनाथ की माने तो बाबरी मस्जिद को गिराने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया था। रिपोर्टर ने महंत अवैधनाथ से यह सवाल किया, फिर उमा भारती और साध्वी रितंबरा इस पूरी घटना में कुछ भी करने से क्यों इनकार करती हैं? 6 दिसंबर को ये है हमारा, हम उमा जी से ही मिले, रितंबरा जी से मिले, आचार्य धर्मेंद्र जी से ही मिले, सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना, हमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, हमने कुछ भी नहीं किया 6 दिसंबर पे। लोकल कोई बात होगी तो बात करें,
18 साल से अगर नहीं गिरफ्तार हुआ और इस मसले पे भगवान के लिए अगर कोई जेल भी चला जाएगा तो आंदोलन को और गति मिलेगी, दूसरा खड़ा हो जाएगा। महंत अवैधनाथ रिपोर्टर को बताता है कि वे सब इसलिए अपने आप को मस्जिद गिराने की घटना में शामिल होने की बात नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि उन्हें कानून से डर लगता है। इनके अनुसार बाकी डरते भी तो है ना ये लोग कि हम कह देंगे अखबार में तो कल कोई बात होगी तो बस गिरफ्तार कर लेंगे। क्या वह उन नेताओं का नाम बताएंगे जो बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे? रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने बहुत ही चालाकी से बताने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो उत्साह बढ़ाया, कौन कौन लोग थे महाराज तो नारे जिन्होंने लगाया? अब मैंने उनका नाम नोट करके तुमको बता दें तो डायरी में लिखकर बाद में जी कौन जरूरत जी जी आना चाहिए नाम तुम्हारा आना चाहिए तो जो गए हैं पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारा नाम दे जी एक आध नाम बता दीजिए जी। अच्छा नहीं छापेंगे तब बता दीजिए हमारी जानकारी के लिए। देखिए सब लोग चाहते थे, हरे गांधी चाहते था जहाँ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, राम मंदिर से जुड़े थे, वो सभी लोग चाहते थे। इसको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।